राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अधिकारी और कर्मचारी इस समय हड़ताल पर हैं, तो इसका असर अब बच्चों के टीकाकरण पर भी देखने को मिल रहा है। गोंदिया जिले में बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अधिकारी और कर्मचारी पिछले एक महीने से हड़ताल पर हैं, जिससे सरकारी अस्पतालों जो ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी होंगे टीकाकरण प्रभावित हुआ है। इसलिए कई नागरिक टीकाकरण के लिए सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी के कारण कई जगहों पर टीकाकरण बंद कर दिया गया है। इसलिए कई माता पिता अपने बच्चों को टीकाकरण के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन अब हम उनके लौटने की तस्वीर देख सकते हैं रिवर्स, जहाँ कई माता पिता निजी अस्पतालों में पैसे देकर अपने बच्चों का टीकाकरण करा रहे हैं, वहीं अब उन्हें सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलने वाले टीकाकरण के लिए भी भुगतान करना होगा। इससे प्रभावित नागरिकों ने अब सरकार से जल्द इन कर्मचारियों की हड़ताल खत्म कराने की मांग की है। हम लोग ये टीकाकरण के लिए आए थे। तो क्या हुआ यहाँ पर टीका हुआ करण? नहीं बोले, अभी दो तीन दिनों के बाद होगा करके बोल रहे हैं, लेकिन बोले कि दो तीन दिन के बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा तो लग जाएगा बोले। अच्छा। चालू हो जाएगा उसका, देखेंगे या प्रॉब्लम बढ़ेगी तो फिर कुछ बोलेंगे यार। मेरे लड़की को, 5 साल की लड़की को मैंने यहाँ इंजेक्शन देने लाया था, बट यहाँ के डिपार्टमेंट में आके पूछताछ की तो मुझे ऐसा पता लगा कि यहाँ पे स्ट्राइक चल रहा है और 2.5 साल से लेके 5 साल तक के जो भी लड़के है, बच्चे हैं, उनकी इंजेक्शन बंद है और बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर से मैन पावर कम है तो हम इंजेक्शन कैसे दे सर, ऐसा वो बात कर रहे हैं। तो हम क्या करें, अभी ये बच्चों को इतनी दिक्कत हो रही है। अभी सपोज मान लो कि अभी कोई कर्मचारी वर्ग है, अभी छुट्टी में है, तो क्या वो इंजेक्शन अपने बच्चों को अच्छे से दे सकता है, यहाँ पर ला के ये सुविधा अवेलेबल करके दे सकता है? बट अभी बाद में हम वर्किंग में रह जाएंगे, वर्किंग में आएंगे तो बाद में शुरू हो जाएगा, तो फिर वो बच्चों की स्कूल भी रहेंगी, तो इसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आती है, छोटे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। वही बच्चे जो है इस फिलहाल इस हाल में इंजेक्शन से वंचित रह रहे हैं, इसलिए मेरी यहाँ के सभी पेरेंट्स लोग जो बच्चों को लेके आ रहे हैं वो वापस घर में जा रहे हैं, किंतु उनको इंजेक्शन नहीं मिल रहा है बच्चों को। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये स्ट्राइक जो है पूरी की जाए, खत्म की जाए और मैन पावर फिर से अवेलेबल किया जाए कि क्यों तो सुविधा सबको मिल सके। थैंक यू। गोंदिया से BCN न्यूज़ के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।